भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ड्रग विभाग के संयुक्त निरीक्षक के द्वारा जीरोमाइल स्थित हनुमान मेडिकल हॉल में छापेमारी की गई। संयुक्त औषधि निरीक्षक के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकानदार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर उपयोग में आने वाले कई दवाओं के दाम ग्राहकों से ज्यादा वसूले जाने की बात स्वीकार की गई। इस दौरान ड्रग विभाग के द्वारा कई दवा और कागजात को सील करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई। औषधि विभाग के द्वारा लगातार दवाओं की कालाबाजारी पर रोकथाम को लेकर किए जा रहे छापेमारी से दवा की कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। सूचना मिला था कि यहाँ पर कुछ दवाइयों का कालाबाजारी और जमाखोरी किया जा रहा है तथा अधिक दाम पर ग्राहक को बेचा जा रहा है। इसी के आलोक में भागलपुर औषधि नियंत्रण प्रशासन के टीम द्वारा छापामारी का कार्य किया गया। छापामारी के क्रम में हम लोग जनरली अभी जो कोरोना काल में जो दवा यूज हो रहा है उसी का हम लोग जांच किए, जिसका इन्होंने क्रय अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया, जिस कारण से उन सब्जियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? हम लोग विभागीय स्तर से कार्रवाई होगी क्योंकि लाइसेंस उधर दुकान है, लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी। इनका लाइसेंस या तो कैंसिल होगा या तो निलंबित होगा। सर ये किन की सूचना थी ये यहाँ पर इस तरह से बिक्री की जा रही है? डीएम साहब को कहीं से सूचना मिली थी? डीएम साहब के स्तर से हम लोग को सूचना प्राप्त थी, उसी के आलोक में हम लोग आकर के छापेमारी किए। सर कल जो छापेमारी हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसके लिए हम लोग विभाग को लिख दिए हैं कार्रवाई के लिए, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है ये कार्रवाई और भी कई मेडिकल शॉप हैं सर। अभी आप लोग सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। भागलपुर के आम जनता को सही दवा मिले, सस्ती दवा मिले, समय पर मिले, दवा की कमी नहीं है। हम लोग से निवेदन है कि दवा होल्ड नहीं करें, दवा का कोई कमी नहीं, जहाँ भी दवा खरीदें पक्का बिल पर खरीदें, दुकानदार से उस दवा का बिल अवश्य परिचय।